Hi, hello, and welcome to my world. Welcome to Joy Vlogs. तो पहले तो माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि पिछले 2 महीने से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला, खाली एक शॉर्ट्स डाला था। पर क्या करूँ, कॉलेज लाइफ चल रही है और थोड़ा कॉलेज का एग्ज़ाम चालू हो गया था तो इसलिए किधर जाने को भी नहीं मिला। और बारिश का मौसम भी शुरू हुआ है तो मेरा जो मीडिया मोड है, जो वाटर ब्लॉगिंग का सेटअप है, वो वाटर प्रूफ नहीं है क्योंकि मेरे पास वो जो गोप्रो से ओरिजिनल 9 के लिए मीडिया मोड आता है वो है, तो उस पर एक इनबिल्ट माइक भी आता है तो वो वाटरप्रूफ नहीं हो सकता। इसलिए मैं किधर बाहर घूमने भी नहीं गया। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं तो आपको ये थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि हम आज कहाँ जा रहे हैं, तो मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं बताता हूँ, आज संडे है और ये व्लॉग कब तक आएगा ये मालूम नहीं। तो आज हम संडे राइड के लिए, संडे मानसून राइड भी कह सकते हो, संडे मानसून राइड के लिए हम आम्बोली घाट जा रहे हैं। तो आम्बोली घाट पर उधर बहुत अच्छी सी प्लेस है जहाँ वो एक वाटरफॉल है और कई और भी प्लेसेस हैं, पर हम ज़्यादातर घाट पर ही जाएंगे। तो अभी डिसाइड नहीं हुआ, तो मैं पहले ग्रुप को मिलूँगा जो साउथ से है और फिर इसके बाद हम नॉर्थ में एक मीटअप पॉइंट रहेगा। तो मेरा साउथ का मीटअप पॉइंट है मारगांव में, तो मैं तुम्हें उधर पहुँचने से पहले ही दिखा दूँगा। और करीब करीब 25 के आसपास राइडर्स रहेंगे, 25 या 30 शायद, ठीक से मालूम नहीं है। उधर आने के बाद दिखेंगे कितने लोग आते हैं। और एक बात, ज़रूरी बात बोलने भूल गया कि अगर रास्ते में बारिश आया तो मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं कर सकता क्योंकि मेरा अभी जो बताया मेरा सेटअप अभी थोड़ा फुल्ली वाटर प्रूफ ही नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट भी नहीं है। तो मैं मीडिया मोड हटा दूंगा और खाली थोड़ा क्लिप्स भी दिखा दूंगा जो रास्ते में आते हैं। चलो मिलते हैं हमारे साउथ गोवा के मीटअप पॉइंट पर। तो अब हम कोलवा सर्कल जो है वो क्रॉस किया अभी पीछे, और ये रहे हम मारगांव और आगे रहा वो KTC बस स्टैंड। क्या कहते हैं, देखेंगे अभी थोड़ा स्लो जाएंगे, इधर उधर नज़र मारेंगे हमारे लोग कहाँ हैं। कोई दिक्कत नहीं दे रहा हो रहे, ये देख लो हमारा बॉयज़ का मीटअप हो गया। तो अब हम चलेंगे, थोड़ा हाईवे पकड़ कर जाएंगे। मैं दोनों बाइक, तो अभी हम इधर से 7 बजे से निकले हैं
उसका मतलब हम शायद नॉर्थ में करीब 8 बजे पहुंचेंगे, करीब करीब से 8 बजे लगेंगे। तो अब हम वैरना में हैं, वैरना क्रॉस कर चुके हैं, अभी थोड़ा सिग्नल पर रुकेंगे। तो आप लेफ्ट जाओगे तो आप सीधा गोवा के एयरपोर्ट में पहुंच जाओगे जो वास्को में है। अभी थोड़ा सिग्नल पर रुकेंगे। देखो कॉन्ग्रेट्स, अरे 10,000 किलोमीटर हो गए। देख लो फरवरी में पहुंचने के बाद, देख लो एक फोटो निकालेंगे। और थोड़े आगे रुके हुए हैं, तो कुछ गए हमारा मॉल देखोगा, तो हम अक्सर उधर पीछे नहीं तो इधर रुकते हैं। देख लो पूरा पूरा लाइनअप, दो निंजा 300 है। हमारी आज की लाइनअप पल्सर 160, हिमालयन, निंजा 300, इंटरसेप्टर 650, फिर पल्सर 220 और एक निंजा 300, फिर अप्रीलिया 160, RC390, R15, MT15, R15, RC200, Apache 310RR, ये हमारी एक्वा, ड्यूक 200, फिर थंडरबर्ड 350, फिर और एक अप्रीलिया, ये रही एनफील्ड RC200, डोमिनार और R15 और एक R15। तो अब हम जो हमारे नॉर्थ से लोग आने वाले थे वो आ गए और हम निकल चुके हैं। 2 से 3 लोग आने वाले हैं आगे, वो जो हम आगे ज्वाइन करेंगे, शायद से मापसा में करसवाड़ा में ज्वाइन करेंगे, तो देखेंगे। तो आज का मौसम तो राइड के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ज़्यादा धूप भी नहीं है और बारिश भी नहीं है, थोड़ा क्लाउडी है, क्योंकि ऐसे मौसम में राइड करने में मज़ा आ रहा है, एक अलग ही मज़ा है। तो बारिश आया तो मैं सेटअप निकाल कर बैग में रखूँगा, शायद से इंस्टा नहीं तो यही सेटअप डालूंगा। तो देखो बारिश आ गई, तो थोड़ी देर बाद देखूंगा मैं, नहीं तो ज़्यादातर थोड़ा सा ही है, पर ये थोड़ा भी वाटरप्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट नहीं है मीडिया मोड के साथ, तो देखेंगे। अभी बारिश गिरना शुरू हुआ,
अभी देखो पीछे थोड़ा ड्रिजलिंग हुआ, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा बारिश गिरा, इतना ज़्यादा नहीं गिरा। आगे इधर बारिश ही नहीं है, बारिश की एक बूंद भी नहीं है। हम अम्बोली घाट पर है, देखते हो व्यू, देखो तो रास्ते में थोड़ा ब्लॉगिंग करने को नहीं मिला क्योंकि बीच में बारिश भी आ रही थी, तो थोड़े से क्लिप डालूँगा मैं जो जो भी हम आए रास्ते पर वो थोड़ा क्लिप डालूँगा। और ये आप नज़ारा देख लो, तो मैं अब सीधे तुम्हें हमारे जो अम्बोली का वाटरफॉल है घाट पर उधर मिलूँगा। तो अब हम यहाँ जो मेन वाटरफॉल है अम्बोली में उधर पहुँचे हैं, और देख सकते क्राउड कितने हैं हमारे भाई से, अभी नाश्ता पानी करोगे क्योंकि भूख लगी है। कुछ इधर 11 बज गए थे, आप देख सकते हो कितने सारे लोग आए हैं, ट्रैफिक कितना जाम है। ऊपर भी जाने देते हैं पर बहुत सारे लोग हैं तो हम नहीं जाएंगे। तो